Mutual energies between both of you is Two of Cups. Current energies of your person, the Hanged uh, Man. Intention of your person is Ten of Coins. Future action of your person is King of Cups. Wow! Your energy, Knight of Wands. And future of the soul connection, very important. Ace of Swords. Okay, bottom of the deck we declare like this Six of Swords and uh, Six of Swords. ओके okay, साइन बता देती हूँ पाइसीज आप लोग को आ, वो पाइसीज कैंसर स्कॉर्पियो लियो एंड तोरस बाकी आपका पर्सन जिस भी साइन का है आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो अः वो पाइसीज एक चीज बोल रही हूँ कि आप दोनों तो के बीच में बहुत प्यार है बहुत इमोशंस हैं बहुत जेन्य लव केयर एफेक्शन सब है

कहीं ना कहीं ये जो दूरियां हुई हैं आप दोनों के बीच में पाइसीज आप दोनों को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ मैं पाइसीज आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ मैं इस पर्सन को प्यार करता हूँ और आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ मैं पाइसीज से जेनुइन लव करता हूँ द एनर्जी आई एम सीइंग पाइसीज फॉर यू पाइसीज यू बोथ आर लव विद बहुत जेनुइन प्यार इमोशंस केयर है मेरे हिसाब से आप दोनों एक दूसरे की इतनी ज़्यादा केयर करते हो इतने ज़्यादा इमोशनल हो एक दूसरे के लिए मेरे हिसाब से आपके आसपास के लोग <laughs> आपके आसपास के फ्रेंड्स ना ये बोलते होंगे कि हमें पाइसीज की तरह रिलेशनशिप रखना चाहिए लाइक लोग आपको आ, लोग आपको और आपके पार्टनर को आइडलाइज करते हैं कहते हैं कि हाँ स्पाइसी जैसा पार्टनर होना चाहिए स्पाइसीज और उसके पार्टनर जैसा हमें बनना चाहिए बहुत लव है एंड ये जो प्यार है वो इतना इतना ब्यूटीफुल प्यार है इतना डिवाइन प्यार है एक दूसरे पे कोई ऐसे आप दोनों मुझे एक तो ये चीज दिख रही कि आप दोनों इंडिविजुअली पाइसीज आप दोनों ही बड़े अच्छे व्यक्ति हो आप दोनों का जो नेचर है अपब्रिंगिंग है सब कुछ ना बड़े आप दोनों अच्छे लोग हो आप जब दो लोग अच्छे लोग मिलते हैं तो एनर्जीज अच्छे से फ्लो करती हैं और यही दिख रहा है मुझे म्यूचुअल एनर्जीज में मिस कर रहे हो हो प्यार प्यार करते एक दूसरे को प्यार तो बहुत है और मुझे ये पर्सन भी कमिटमेंट no चाहता, चाहता है बट कहीं ना कहीं इनकी फैमिली नहीं मान रही है कहीं ना कहीं इनकी खुद की सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही है आपको कमिटमेंट देने की बट डोंट वरी विद इन फिफ्टीन डेज फ्रॉम नाउ ये ये पर्सन आपके पास कांटेक्ट कर रहे हैं और आपको कमिटमेंट दे रही। देखो ये कहीं जाने नहीं वाला जो भी है। देखो the मुझे ज्यादातर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो मैं रीडिंग्स करती हूँ वहां पे सिर्फ कांटेक्ट दिखता है दिखता है मोस्ट ऑफ द केसेस में बट आपके एनर्जी में एज ऑफ नाउ मुझे एक भी दिख रहा है पाइसी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन देखो ये बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत सोच रहे हैं ये ट्वेंटी फोर आवर्स आपके बारे में सोचते हैं Pisces. आप तो इनसे बोल रहे हो कि क्या सीन है कमिटमेंट दोगे कि नहीं शादी करोगे कि नहीं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड शादी दोनों की बात मैं यहाँ पे करती हूँ उस चैनल में तो ये पर्सन ना मेरे हिसाब से पर्सन ने बोला हुआ कि मुझे थोड़ा वक्त दो मैं सोच समझ के बताता हूँ कि मुझे आपको कमिटमेंट देना है कि नहीं देना एंड करंट एनर्जी में दे आर मैडली थिंकिंग अबाउट यू ऑब्सेसिव थिंकिंग चल रही है ये भी सोच रहे कि क्या पाइसीज मेरी फैमिली में एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं क्या फैमिली क्या मेरी फैमिली पाइसीज को एक्सेप्ट कर ले कि नहीं सारे जितने प्रोज एंड कॉन्स हैं नाप तोल कर रहे हैं इन करंट एनर्जी में कहीं ना कहीं उन्हें बट पर... करंट एनर्जी में हैंगमैन एनर्जी है कही कहीं होते ना कहीं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव सोच सोच रहे रहे हैं तो क्या ज्यादा ज्यादा हैं नो पॉजिटिव ज्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन ऐसा किस्म का पर्सन है Pisces, ये इमोशंस पे चलने वाला पर्सन नहीं है ये प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेता है रिलेशनशिप या कमिटमेंट भी किसी को देगा तो बहुत सोच समझ के देगा एंड दैट्स देयर करंट एनर्जी इज टुवर्ड्स यू दैट दे आर थिंकिंग कि हाँ मुझे पाइसी को कमिटमेंट देना है मुझे सब कुछ करना है बट अभी मैं थोड़ा चीजें देख लूं समझ लू ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ये पर्सन काफी स्पिरिचुअल पर्सन है mm -hmm. और कहीं ना कहीं आपको भी एक वैसा पर्सन समझता है कि पाइसी एक स्पिरिचुअल पर्सन है और कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपके साथ होते हुए दिख रही है इन द कमिंग फ्यूचर सो एनर्जी करेंट एनर्जी ब्यूटिफुल है एक्चुअली इंटेंशन दे वॉन्ट टू मैरी यू यही ये यह, ये यह आपको ये देखो तो एक छोड़ तो नहीं रहा है पाइसिस ये शादी करना चाहता है ये आपको एक फ्यूचर कमिट कमिटमेंट प्रोवाइड करना चाहता है एक ऐसा कमिटमेंट जिसमें 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 जिस पेरेंट्स की भी रजामंदी हो आपके पेरेंट्स की भी रजामंदी हो और इनके पेरेंट्स की भी रजामंदी हो एंड इंटेंशन में क्लियरली आई एम सींग मेरे हिसाब मुझे एक एनर्जी और आ रही है कि ये पर्सन ऐसा चा... मतलब आप दोनों मिले आप दोनों के बीच में प्यार हुआ अब ये कहीं ना कहीं ये प्लानिंग कर रहा है पर्सन इट कैन बी अ केस अगर ये केस है तो लाइक करना वीडियो कि ये चाहता है कि आपका रिश्ता अरेंज मैरिज के थ्रू आ जाए इनकी फैमिली को और इनकी और इनकी फैमिली अरेंज मैरिज के थ्रू आप दोनों को एक्सेप्ट कर ले बहुत लोग होते हैं जो पहले प्यार करते फिर थ्रू अरेंज मैरिजेस रूट एक दूसरे के यहाँ पे रिश्ता भिजवाते हैं और फिर उनकी अरेंज मैरिज होती है फिर बाद में वो लोग बताते हैं कि भाई हमारी लव मैरिज है हमने ऐसा कुछ किया या ऐसा इसलिए लोग करते हैं विच इज फाइन अपने प्यार को पाने के लिए अगर आपको कुछ करना पड़ रहा है तो इट्स ओके वो इसलिए करते क्योंकि इनकी लोगों की फैमिली बड़ी ऑर्थोडॉक्स होती है हो। और कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है कि शायद इनकी प्लानिंग ये है कि आपका कहीं ना कहीं से जो नाम रिश्ता वो किसी अरेंज मैरिज के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं मे भी किसी रिश्तेदार के थ्रू मे मे किसी मैरिज ब्रोकर के थ्रू दैट्स देयर इंटेंशन एंड इंटेंशन में दे वांट टू मैरी यू ये बंदा या बंदी लॉन्ग टर्म ही सोच रहा है आपके बारे में ये टाइम पास तो नहीं कर रहा दिस इज नॉट अ टाइम पास रीडिंग टाइम पास एनर्जी नहीं एंड इंटेंशन में दे टू मैरी यू इट्स एज एज एविडेंट दैट फ्यूचर एक्शन आर कमिंग एरिंग क्लेम कर दो रीडिंग दे दे आर आर कमिंग कमिंग एंड गिविंग यू कमिटमेंट फ्यूचर एक्शन में इनका प्यार और परवान चढ़ेगा इनका प्यार इनका इमोशंस इनकी केयर तो बढ़ेगी विद टाइम मेरे हिसाब से तो जैसे जैसे आप लोग बुढ़े होंगे इनका प्यार और दीवाना होगा आपके लिए ये दीवानगी से बिल्कुल प्यार करेंगे देयर इमोशंस देयर लव यू विल इंक्रीज नेक्स्ट लेवल इतना केयर करेंगे ना पर्सन इतना किंग ऑफ कप्स सो किंग ऑफ कपन इज वेरी वेरी इमोशनली स्टेबल जिसे पता है कि कहाँ इमोशंस दिखाने चाहिए कहा इमोशंस नहीं दिखाने चाहिए बहुत ये जो भी है ना ये अपनी फैमिली की बहुत केयर करता है और अगर आप इनके हस्बैंड वाइफ बन गए ना इतनी करेंगे, इतनी केयर केयर करेंगे करेंगे यू 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 विल नॉट इवन इमेजिन ये पर्सन जो भी है ना ये बहुत ही लॉयल बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है वेरी 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 फैमिली ओरिएंटेड पर्सन इनका लकी नंबर सेवन हो सकता है या लकी नंबर इनका फोर हो सकता है एंड uh, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे हैं ये पर्सन के जो इमोशंस है फीलिंग्स है वो आने वाले टाइम पे और बढ़ेंगे दैट डज नॉट मीन पाइसिस की अटैच्ड होंगे और निब्बा निब्बी करेंगे और आपके ब, uh, 24 घंटे में से दब, 20 घंटे पीछे पड़ेंगे रहेंगे नो किंग ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कॉइंस इज हु इज एक्सट्रीमली बैलेंसड इन देयर एनर्जी प्यार करेंगे अच्छे से करेंगे मुझे ये भी दिख रहा है ये बहुत बैलेंसड है इमोशनली फाइनेंशियली मेंटली बहुत बैलेंस है इनका कोई पास्ट का बैगेज नहीं है दिस पर्सन विल लव यू अलॉट केयर फॉर यू अलॉट पाइसी योर एनर्जी योर करेंट एनर्जी टू वर्स दिस पर्सन नाइट ऑफ नाइटोव आप इनके साथ तो... गुलू गुलू करना चाहते हो आप इनके साथ फिजिकल इंटीमेसी करना चाहते हो एक तो ये ना जी आप इनके इनके साथ आई एम यू आर मिसिंग लॉट आप इनके साथ तो अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हो करंट एनर्जी में मेरे हिसाब से सा थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो नाराज हो रहे हो आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो बट ये बात नहीं कर रहे पंद्रह दिन के अंदर ये बात कर रहे हैं विद एक्शन दिख रहा है

ओके फ्यूचर एक्शन फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज एस ऑफ सोच देखो क्लैरिटी तो आ रही है क्लैरिटी आ रही है कमिटमेंट आ रहा है स्टेबिलिटी आ रही है आप लोग के आप लोग के कनेक्शन में रिलेशनशिप में आई एम सीइंग इधर अ मैरिज मैरिज तो हो रही है मुझे लग रहा है आपकी इस साल नवंबर तक शादी होगी या तो आप लोग एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन में मेरे हिसाब से आप दोनों अगर साथ में आओगे ना आप दोनों के करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी नंबर वन नंबर टू आप दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस थे कम्युनिकेशन आप लोग की अच्छी होते हुए दिख रही है एंड एस सोल्स रिप्रेजेंट्स क्लैरिटी पता लगने वाला है कि कहाँ ये रिलेशनशिप स्टैंड करता है एंड आई एम टेलिंग यू इतना अच्छा इतना फुलफिलिंग रिलेशनशिप है जैसे मैंने यहाँ पे बोला था लोग बोलते हैं कि हमें पाइसीज और पाइसीज के पार्टनर की तरह बनना चाहते हैं आप एक के टिप्स लेंगे, आपके फ्रेंड्स आपसे टिप्स लेंगे पूछेंगे कि रिलेशनशिप को कैसे निभाया जाता है और मैं एक चीज बताऊँ रिलेशनशिप को कैसे निभाया जाता है रिलेशनशिप को निभाया जाता है खूब ज्यादा पेशेंस के साथ खूब प्यार के साथ अगर छोटी मोटी कमियां भी मिली तो उसे इग्नोर किया जाता है और अच्छी का अच्छी चीज़ों पे फोकस किया जाता है एक साथ बिल्ड करने को ही रिलेशनशिप कहते हैं एक साथ इंसान बेटर हो उसी को ही रिलेशनशिप कहते हैं भैया आप क्लेम करो रीडिंग इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं पाइसीज एंड सीरियसली कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है एंड इफ़ यू लाइक माई विडियोज सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैर रीडर बाय बाय